हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा पीओपी फॉल सीलिंग में जो हम चैनल यूज़ करते हैं वो कौन सी कंपनी का यूज़ करना चाहिए और कितने कितने सेक्शन का होना चाहिए, उसके साइज़ क्या होना चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आज आपको बताऊँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे हैं सिविल की जानकारी, आइए आज हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये फॉल सीलिंग में यूज़ होने वाले हमारे मटेरियल है। ये हमारा आप देख सकते हैं मेन है, ये क्रॉस है, ये अलपत्ती है, और ये देखिए ये फास्टनर है। और इसमें ये देख सकते हैं आप, ये स्क्रू है और ये इसकी गिट्टी है। ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये मेन चाहे क्रॉस चाहे एलपत्ती, इसमें जो भी लेंथ आएगी ये 8 फिट की आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा 8 फिट का है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमारा मेन है, मेन का जो साइज़ है ये 45x20 का साइज़ है, ठीक है। और इसका जो वेट है ये 800 ग्राम का वेट है, मैं इसके बारे में बताऊँगा अभी आपको। और ये देखिए, ये क्रॉस चैनल है, ये क्रॉस चैनल भी हमारा 45x12 का है, ठीक है। इसकी भी 8 फिट लेंथ है। और ये पैरामीटर है, आप इसको पैरामीटर बोल दो या फिर हम एलपत्ती भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ये एल शेप में है तो इसको एलपत्ती भी बोल सकते हैं आप। ये देखिए, इसका जो साइज़ है 19x19 का है। और ये जो हमारे चैनल है ये हमारे 22 गेज के हैं। इसमें ये भी देखना हमें होता है कि ये कितने गेज का है, 22 का है, 24 का है या 26 गेज का है। और इसमें हमें इम्पॉर्टेंट होता है इसका वेट, अगर हमारा चैनलों का वेट 800 ग्राम से कम है तो हमें कभी यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत लाइट वेट हो जाता है, उससे हमारी सीलिंग का दिक्कत रहता है बाद में। हमें 800 ग्राम से ऊपर का ही वेट लेना चाहिए। और ये मेरा जो है मेन चैनल, ये 800 ग्राम का ही है। और जो हमारा क्रॉस है ये 750 ग्राम का है, ये चल जाएगा, 750 ग्राम बहुत होता है इसके लिए, ठीक है। अब जो हमारी कंपनी की मैं बात करूँ आपसे, तो कंपनी हमारी बहुत सारी आती है, कि जैसे जिप्रॉक आती है, जीपी स्टील आती है, जिंदल की आती हैं इसके चैनल, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है एज़ पर क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर क्लाइंट का बजट उस हिसाब से है तो उस हिसाब से उसके चैनल भी आते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर जीपी स्टील यूज़ कर रहे हैं या जिप्रॉक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लेंथ में भी फ़र्क आता है, वेट में भी फ़र्क होता है, उसके साइज़ में भी फ़र्क होता है। अब जो आपका इसका जीपी स्टील या जिप्रॉक के चैनल आते हैं वो मेरे 12 फिट के आते हैं और उसके साइज़ भी अलग होते हैं, उसमें वेट का भी फ़र्क हो जाता है। जो मेरे मेन चैनल और क्रॉस वगैरह होते हैं उसमें वेट कम से कम जो मिनिमम आता है उसमें 1.3 kg का वेट आता है, उससे ऊपर उसमें सारे वेट मिल जाएंगे आपको, साइज़ भी अलग अलग आते हैं। अब वो ज़्यादातर हमारे एज़ पर क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो उसका बजट कम है तो हम लाइट वेट भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट मैं जो प्रेफर करूँगा वो जिप्रॉक या फिर जीपी स्टील या जिंदल या जो हैवी वेट के चैनल हैं हमें वो यूज़ करनी चाहिए ज़्यादातर। अब और उससे ये होता है, थोड़ा सा सीलिंग हाइट ज़्यादा होती है तो लोड ज़्यादा पड़ जाता है, तो इस वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये देखिए, हमारा जो मैंने आपको तीनों चीज़ें दिखा दी हैं, ये हमारा फास्टनर है और ये हमारा इसके गिट्टी और पेच। और मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा इसमें फॉल सीलिंग में कैसे कैसे इसमें पार्ट हम यूज़ करते हैं, कि जैसे हमारे क्रॉस कितने कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए, मेन कितने डिस्टेंस होने पे होने चाहिए, हमारे चैनल जो हमारा एलपत्ती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, गिट्टी पेच यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, फास्टनर हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कितने डिस्टेंस पे इसके सपोर्टिंग वगैरह होती है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका मैं जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारी फॉल सीलिंग कैसे कैसे होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।